रोल। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही 8 मार्च तारीख को डीएमसी के इलेक्शन होने वाले हैं 2020 के, जो हर 5 साल में होते हैं। और इस बार डॉक्टर से रिलेटेड कई मुद्दे भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद इस बार चुनाव में रखी गई हैं। इस वक्त तुम्हारे साथ मौजूद हैं यूआईडी के फाउंडिंग चेयरमैन डॉक्टर अंकित तोम, जो पिछले कई वर्षों से डॉक्टर्स की आवाज़ बनकर उनके लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका हमेशा से प्रयास रहता है कि डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाकर उनको न्याय दिला सके या इंसाफ दिला सके। तो आइए जानते हैं डीएमसी इलेक्शन के बारे में और कुछ मुद्दों पर बातचीत करते हैं डॉक्टर अंकित ओम के साथ। बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी। नमस्कार। सबसे पहले अंकित जी, हमें जानना चाहेंगे पहले डीएमसी के बारे में पहले बताएं। पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2014 में आपने इंटरव्यू लिया था, तब उस साल भी इलेक्शन थे डीएमसी के, लेकिन उस साल हमारा युवाओं के डॉक्टरों का इतना प्रेजेंटेशन नहीं था मेडिकल काउंसिल में, और हमने तभी शुरुआत की थी अपनी मूवमेंट्स की, एसॉल्ट की, एनएमसी की, 7CPC की। तो पहली बार 2020 में हमारे यूथ का एक पैनल बनाया गया सारे युवा डॉक्टरों का, और इसमें हमने स्पेशलिटी ये रखी कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को ही रखा गया है। उसमें ये रीज़न था कि जो हमारा पुरानी तरह की पॉलिटिक्स थी सीनियर्स डॉक्टर्स की, ऑलरेडी होती थी, होती है पॉलिटिक्स, उसमें ये थोड़ा दिक्कत आया था कि जब जूनियर डॉक्टर्स भी एक तरीके से अपनी एक दूसरे की लॉबी में जा जाके वैसे ही तरह की पॉलिटिक्स आने लगी थी। तो आरडीए को इस तरह से इन्वॉल्व किया गया है कि ये फ्रेश फेस लेके, फ्रेश एनर्जी लेके डीएमसी दिल्ली मेडिकल काउंसिल के इलेक्शन में इस बार अपना एक पॉजिटिव रोल निभाते हुए अपने असॉल्ट के मुद्दे को, अपने और जो भी मुद्दे हैं उनको स्ट्रांगली काउंसिल में रख सके। अब तक तो मुद्दे उछलते थे, हड़तालें होती थी, आंदोलन करके देख लिए, धरने भी हो गए, सब कुछ हो गए, मार्च भी हो गए, लेकिन जब लगा कि अब कुछ नहीं बचा है तो काउंसिल के थ्रू चुनाव में भी यूथ की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं थी कि एक बार अपनी आवाज़ काउंसिल में भी उठाएं, क्योंकि एसोसिएशन जितनी पुरानी है, 100-100 साल पुरानी हो चुकी है, तो एसोसिएशन कोई बुरी नहीं होती, लेकिन डायनेमिक इशू जो ज़मीन के होते हैं, ग्राउंड के इशू होते हैं, वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे। एक एक एवरेज जो जनरेशन गैप है वो आ चुका था, सीनियर लीडरशिप एक एवरेज उसमें 55 साल की आयु के डॉक्टर्स होते हैं, एक यूथ जो ज़मीन पे आज अपने मुद्दे उड़ा रहा है, उठा रहा है, उसमें जेआर की एवरेज आयु 25 साल है, 30 साल है सरशिप, तो ये 30 से जो 55 तक का एरिया है एक लीडरशिप क्राइसिस में जा चुका है। उन इशू को उठाने के लिए, वो लैकुना जो गैप है लीडरशिप का, उसे फिल करने के लिए हमने यूथ को फ्रेश एनर्जी दे के डीएमसी में उतारा है। तो यही एक चैलेंज है कि हम यूथ एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो बहुत से इशू में हमें ये भी बोला जा रहा है कि नेगलिजेंस के केसेस में हम कैसे करेंगे। तो काउंसिल में 8 मेंबर ही सिर्फ इलेक्टेड होते हैं, बाकी जो होते हैं सीनियर्स होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज से अपॉइंटेड होते हैं, वो भी एक फ्रेश जो नॉमिनेशन प्रक्रिया होती है उसके थ्रू आते हैं। तो उनके साथ मिलकर उनकी गाइडेंस में हम उन केसेस में भी अपना पॉजिटिव रोल निभाएंगे, मगर चैलेंज है कैसे करेंगे क्या करेंगे वो तो आगे भविष्य में पता है, लेकिन अभी यूथ है। डॉक्टर जी, इस बार क्या कुछ नए मुद्दे रखे गए हैं डीएमसी के अंदर, वो जरा एक बात। एसॉल्ट के अलावा जो सबसे ज़्यादा इशू एसॉल्ट का है मेन, दूसरा है क्वैकरी का, जो आपको पता होगा एक बड़ी पुरानी 7-8 साल पहले एक बहुत रिनाउंड आईएएस ऑफिसर, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक अच्छी बुक भी लिखी थी, उन्होंने लिखा था अच्छी बुक आईएएस के बाद पोस्ट पे लिखी, तो उस बुक में ये बताया गया कितने परसेंटेज क्वैकरी चल रही है इस इंडिया में, हमारी कंट्री में। अब वो पोस्ट में जब उन्होंने बुक लिखी तो उनका कितना बड़ा, उनकी जॉब में इतना बड़ा पेन रहा होगा कि उन्होंने जिसने सिविल सर्विस में ज्वाइन करने के बाद भी उसको ख़त्म नहीं कर पाए, तो उन्हें एक डिटेल एक उसकी विज़न दी हुई है, तो हमने उस पर बात की कि हाँ क्वैकरी के खिलाफ कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है कि हेल्थ ख़राब होती है जनता की, और कुछ नहीं होता है, हमें नहीं पता होता, हमें सस्ता महंगा डॉक्टर दिखता है, लेकिन डॉक्टर जो इलाज दे रहा है वो बाद में सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा वो बाद में पता होता है। तो क्वैकरी का इशू मेन है। दूसरा, तीसरा इशू है कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, जो डेमोक्रेसी होती है संस्था में, क्योंकि चुनाव जो हो रहे हैं वो मेडिकल काउंसिल के हैं, कोई प्राइवेट एसोसिएशन के नहीं है, संस्था में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इस ट्रांसपेरेंसी की बात चल रही है, एक हेल्पलाइन नंबर देने जाने की बात हो रही है कि हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड होगी, क्योंकि असॉल्ट होता है तो एक तरीके से चैनल के थ्रू, जैसे आज ही संजय गांधी का मुद्दा है, कल एक डॉक्टर को, दो डॉक्टरों को संजय गांधी ने पीटा गया, तो 24 घंटे लग जाते हैं डॉक्टरों को ना अपनी कैजुअलिटी में अपने अलावा बात करते हुए कि कैसे हम अपनी FIR लिखवाएं। तो ये सब इशू इस बार हैं, क्वैकरी, असॉल्ट, तीसरा है नेगलिजेंस इशू, इसमें बड़े आपस में ये रहता है हमेशा नेगलिजेंस इशू में कि कोई, हम लोग डीएमसी में जाके हमारे सीनियर डॉक्टर से, हम डॉक्टर्स ही ना अपने आप के बनाने के लिए पैमाने बहुत बना लेते हैं कि हम अपने एथिक्स बाउंड्रीज में रहें, मगर आज के टाइम में थोड़ा सा चेंज हुआ है, पेशेंट आर इम्पेशेंट ना,
और ऐसा नहीं है कि आपको क्यों है, उसकी वजह है प्राइवेट सेक्टर में अनकंट्रोल्ड प्राइसेस हो रहे हैं, एकदम से प्राइस बढ़ रहे हैं, तो पेशेंट कंफ्यूज है, विंडो शॉपिंग की तरह हो रहा है। गवर्नमेंट में इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं, पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड है, तो एक जगह टाइम बचता है, एक जगह पैसा बचता है, लेकिन पेशेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में, असॉल्ट के रूप में जो चीज़ें आ रही है वो पेशेंट थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काउंसिल की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर कम्युनिटी में एक समावेश लाए, एक हारमोनी लाए, और उसके हिसाब से फिर ऐसी नीति बनाए कि सिर्फ डॉक्टर्स में अपने आपस में काउंसिल करो, रेगुलेट करते रहो, नहीं, लेकिन थोड़ा सा डॉक्टर पेशेंट के आपस में रिलेशन पे भी वर्कआउट करने की जरूरत है। तो ये थोड़ा फ्रेश अब इसमें जोड़ने जा रहे हैं। हाँ डॉक्टर अंकित जी, जैसे कि हमने इस बार देखा है कि यूथ भी काफ़ी अपनी भागीदारी निभा रहा है, यूथ भी जो जो जितने भी यूथ डॉक्टर्स हैं वो भी काफ़ी आगे निकल के आ रहे हैं, तो क्या यूथ और सीनियर डॉक्टर के बीच में तालमेल बैठ पाएगा? जब यूथ सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल के सब लोग अपने सीनियर की गाइडेंस के अंडर में कैजुअलिटी रन करते हैं, कैजुअलिटी आप बताओ, जहाँ पेशेंट घर से सीधा आता है, क्या है उसको, पेशेंट तो सीधा घर से आया है, जब वो इमरजेंसी रन कर सकते हैं, हम वार्ड रन कर सकते हैं, हॉस्पिटल रन कर सकते हैं, हम अपने सीनियर्स के साथ हर चीज में चल सकते हैं, तो हम DMC में अपने सीनियर के साथ गाइडेंस में एक टीम वर्क करते हुए उनके काम काउंसिल में क्यों नहीं कर सकते, अपनी बात काउंसिल में क्यों नहीं सकते। यूथ है, एनर्जी फेस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस समय, पॉइंट ये है उसे कोई चैनल नहीं मिल रहा अपनी बात रखने का। तो ये काउंसिल के थ्रू एक चीज़ें आ रही हैं कि हाँ हमारी अब बातें चल रही हैं। अभी दो दिन से DMA भी जाके डॉक्टर्स का असॉल्ट हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं रात के 2-2 बजे तक जा रहे हैं, तो ये चेंज है, बहुत पॉजिटिव चेंज है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ यूथ का है असॉल्ट मुद्दा, तो यूथ इसीलिए आ रहा है, वो असॉल्ट से आ रहा है। क्वैकरी प्राइवेट में बहुत डेवलप है, तो वो जो यंग डॉक्टर्स हैं जो अपना क्लिनिक इस्टेब्लिश करते हैं उन्हें दिक्कत हो रही है इस चीज़ से, वो इसलिए जुड़ रहे हैं। सर्विस डॉक्टर हैं जो अपने अपने इश्यूज़ में, वो इसलिए जुड़ रहे हैं, थ्रू नॉमिनेशन जुड़ रहे हैं, वो थ्रू गवर्नमेंट के जो अपने बाकी 8 के अलावा सीट्स होती हैं, तो यूथ के भी इस बार मुद्दे हमेशा रहेंगे इस बार। लेकिन अंकित जी, DMC के चुनाव हर साल होते हैं, 5 साल में DMC के मेंबर्स भी चुने जाते हैं। DMC 5 साल में होते हैं, DMC में 5 साल के इलेक्शन होते हैं, तो अब तक ऐसी क्या वजह रही जो DMC अभी तक डॉक्टरों की आवाज़ नहीं बन पाई, और इस बार हम देख रहे हैं कि हाँ कि काफ़ी डॉक्टर्स इस बार थोड़ा सा DMC के इलेक्शंस में एक थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, तो ऐसा क्या है पॉइंट? अब तक जो पैटर्न था, 98 में DMC आया है, 1998 में बेस था एंटी क्वैकरी कि हमने इस बेस पे एक एक्ट बनाया, इस काउंसिल में एक्ट बना के हमने क्वैकरी को पिछले 22 सालों में हमने क्या डिलीवर किया, ये एक फेलियर दिखती है। लेकिन ये टीम वर्क से आती है, जो टीम वर्क अब तक बैठ नहीं पाया, तालमेल नहीं बैठ पाया, कहीं ना कहीं मुद्दे शिफ्ट होते चले गए, सीनियर डॉक्टर के अलग इश्यूज़ हैं, जूनियर्स के अलग हैं, जो बीच का एक लैकुना है, लीडरशिप खाली पड़ी है, उसके मुद्दे अलग हैं। तो इसीलिए यूथ की जो मूवमेंट है वो असॉल्ट से ट्रिगर तो हुई है, लेकिन इशू हर लेवल पे है, GR के हैं, SR के हैं, PG के हैं, DMB के हैं, FMG के हैं, हर लेवल पे इशू है। लेकिन ये यूथ के बाद इसलिए कि 14 के बाद अब ये दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं 20 में, तो ये चीज़ें आगे भी जाएंगी, जैसे अब आने वाले टाइम में और इशूज़ आ रहे हैं, जैसे कि हर स्टेट मेडिकल काउंसिल के आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी टिकट है असॉल्ट है, जिसने यूथ को जगाया, NMC मेडिकल काउंसिल जो एक्ट आया है, क्योंकि MCI को आपने स्क्रैप किया, MCI को ख़त्म किया इस बेसिस पे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला MCI करप्ट बॉडी है, तो क्या बॉडी में इम्प्रूवमेंट के चांस थे? जब नहीं थे तो क्यों इतनी पुरानी एसोसिएशन हमेशा बैक करती रही, क्यों यूथ को ऊपर आके नहीं, अपना चैलेंजेस को आगे नहीं लाने दिया, क्यों स्ट्रगल का इतना पीरियड आगे बढ़ा दिया कि आप ना तो उस क्वैकरी पे बात करते हैं, ना आप यूथ के जॉब प्रोस्पेक्टिव पे बात करते हैं, ना आप उनके डायनेमिक इशू असॉल्ट पे बात कर रहे हैं, ना आप बात कर रहे हैं उनके अकेडमिक्स पे। तो कहीं ना कहीं एक तरह की लॉबी पॉलिटिक्स, किटी पार्टी पॉलिटिक्स, ये इस तरह की DMA पॉलिटिक्स जो चल रही थी, इसके एक तरीके से एक यूथ के खिलाफ आवाज़ है। ऑर्गेनाइज हो पाएगी तो इलेक्शन की बात पता चलेगा, लेकिन आवाज़ है। डॉक्टर अंकित, हम आपसे लास्ट में अंत में यही जानना चाहेंगे कि क्या इस बार DMC उन यूथ डॉक्टर्स की आवाज़ बन पाएगी, और क्या जो उनके साथ अशॉर्ट हो रहे हैं या फिर जो भी दिक्कतें हैं, क्या इस बार उसमें वो पूरे होंगे? इलेक्शन का रिजल्ट तो उसी दिन पता चलेगा क्या होगा, लेकिन यूथ की आवाज़ DMC बन गया है, क्योंकि आज की डेट में सारे सीनियर डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ फीलिंग हो रही है, एक चीज़ अच्छी पॉजिटिव आ रही है कि सीनियर्स जूनियर्स को सुनना पसंद कर रहे हैं, उन्हें मालूम चल रहा है कि हाँ हैं इश्यूज हैं और हमारी बात सुननी चाहिए। ये बहुत पॉजिटिव चेंज है, ग्राउंड से जुड़ने का आज वक्त है, हर जगह जो लीडरशिप क्राइसिस है, इशू बेस्ड ना होकर सारी जो पॉलिटिक्स हो, लॉबी बेस्ड जो पॉलिटिक्स चल रही है वो ख़त्म होनी चाहिए, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है। हम यूथ DMC में आवाज़ तो बन चुके हैं, इलेक्शन जीतना हारना ये तो एक पैमाना है, सीनियर से कोई जीतना भी नहीं चाहता। हाँ अगर हम इनसे
ये बात है कि अपनी बात रख गए तो शायद उनको ये चीज़ एक्नॉलेज हो गई, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये तो इलेक्शन तो चुनाव का गेम होता है, आंकड़ों में होता है, थोड़ा यूथ है अब ज़्यादा है, वो तो पैमाना ही उनका ज़्यादा है। गवर्नमेंट से किस तरीके की उम्मीद करते हैं इसके डीएनसी की? गवर्नमेंट तो बहुत पॉजिटिवली हमेशा काउंसिल के साथ रही है, लेकिन ग्राउंड से आपको इश्यूज बहुत ज़रूरी है, वो उठ के फॉर्मुलेट होके जाए ऊपर, जब वो जाएंगे तभी गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी। तो गवर्नमेंट ऐसे बाईपास नहीं कर सकती काउंसिल को, क्योंकि स्टेट मेडिकल काउंसिल है, तो वही है, गवर्नमेंट का हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन आप एक चीज़ पहुँच के ऑर्गेनाइज होकर आवाज़ तो उठाओ। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अंत में जो डीएमसी के इलेक्शन के? डीएमसी में इलेक्शन में बहुत ज़रूरी है सब, 8 मार्च को डॉक्टर वोट दें। बहुत अजीब था कि 2014 में 70,000 लोगों में सिर्फ 4,400 ही लोग पहुँचे, मतलब 7% वोटिंग हुई है। तो इस बार अगर थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता है तो यूथ की अपने आप में सफलता है कि अपने मुद्दों पे भी झाके। तो थोड़ा बाकी बड़े बड़े पॉलिटिक्स की बातें जो हर जगह करते हैं युवा डॉक्टर्स, वो अपनी पॉलिटिक्स में भी ध्यान दें कि थोड़ा सा साफ सुथरी हमारी भी पॉलिटिक्स हो। जैसा कि आपने देखा डॉक्टर, कि तुमने बताया कि इस बार कई डीएमसी मुद्दे लेकर आ रही है, और साथ ही साथ इस बार डीएमसी उन यू डॉक्टर्स पे जो असॉल्ट हो रहे हैं उनकी भी आवाज़ बनेगी, साथ ही साथ कुछ और नए योजनाओं पर भी काम किया जाएगा। अब तो 8 मार्च के इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा कि क्या कुछ होता है। मैं कैमरामैन अजीत के साथ दीपक राणा, यूनिवर्सल न्यूज़।